तो क्या हाल है, कैसे? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होगे। बाकी ये देख लो, मैंने बनाया है ये बगैर किसी पैसों के, मतलब थोड़े से पैसे तो लगे हैं यार, लेकिन इतना जबरदस्त फ्रेम बना है कि मतलब तुम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते भाई। इंतजार किस बात का कर रहे हो, चलो सीखते हैं बनाना। फ्रेम को बनाने के लिए एक आपको सिंपल स्क्वायर टेप चाहिए होगा, 10 रुपए का मिल जाता है, और बाकी जो ब्लैक टेप है वो मिल जाता है आपको 60 रुपए का। बाकी ड्राइंग आपको खुद ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद एक शीट आती है आपको एक प्लास्टिक वाले के पास से मिल जाएगी, मुझे मिल गया 250 रुपए गज, सही है। उसके बाद जो है नीचे आ जाता है गत्ता, और ये गत्ता तो आप किसी भी यार दुकान से ले लो, परचून की जो होती है। तो बस अब क्या, सिंपली एक स्क्वायर टेप लो और उसके बाद 3 साइड्स को उससे स्क्वायर टेप से जो है बैंड, और बाकी की जो एक साइड है वो मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि यार उधर से ड्राइंग एंटर करनी है। अब देख लो तुम लोगों को ये टेप ना आ रहा होगा, इसको मैं सिंपली ऐसे करके फोल्ड कर दूंगा और तीनों साइडों से ये ट्रिक अप्लाई करनी है। और अब चेक करो, मैंने तीनों साइडों से जो है टेप को बैंड कर दिया है। अब उसके बाद जो ये एक साइड बची हुई है इसमें मैं अपनी ड्राइंग एंटर करूंगा। तुम लोगों से एक बात करनी है यार, अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो ना यार, उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर देना भाई। ये देख लो मैंने जो है अपनी ड्राइंग में एंटर कर रहा हूँ, और जो है ड्राइंग बिल्कुल कोने में नहीं घुसा देनी, बिल्कुल थोड़ा बीच बीच में रखनी है। तो अब तुम लोग देख सकते हो कि जो एक साइड बची हुई थी वो भी मैंने पूरी टेप से कवर कर दिया। अब चारों जगह जो है वो टेप से कवर हो गई है। अब जो तुम्हें ब्लू सा दिख रहा है इसको मैं ब्लैक टेप से पूरा कवर कर दूंगा। और भाई तुम लोग ही बता रहा हूँ, जरा ध्यान से कवर करना क्योंकि यार टेप जो है ना बहुत टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है ना, तो टेप को थोड़ा खींचना है और ना ही बिल्कुल ऐसे लगा देना, बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके से लगाना है टेप को, बिल्कुल खींचना नहीं है। अगर टेप को बिल्कुल खींच के लगाओगे तो प्लास्टिक जो है वो छोटी हो जाएगी और बीच में जो है बल आ जाएंगे, जिससे अगर आपके फ्रेम में लाइटनिंग पड़ेगी तो फिर आपका जो फ्रेम है वो बल दिखाएगा और आपकी ड्राइंग सही से नजर नहीं आएगी। अब देखो पैसे कम है तो थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क होगा, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त काम हो जाता है एक एज ए आर्टिस्ट के लिए जो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी ड्राइंग, और अपनी ड्राइंग को अच्छी बनाने के लिए फ्रेमिंग कर रहा है। अब देख लो पीछे से मैं ऐसे मोड़ दे रहा हूँ टेप्स को, और टेप बाहर मत निकलना चाहिए, इस चीज का तुम बहुत ख्याल रखना। अब हर टेप को मैं इसी तरह अप्लाई कर दूंगा पूरे उस पर। तुम लोग कमेंट में बताओ क्या फ्रेमिंग के बगैर ड्राइंग अच्छी लगती है। भाई मुझे तो ऐसे ड्राइंग में ना कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है, और उसी कमी को पूरा करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला निकाला है और इसको तुम लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो अब लाइक तो बनता है ना यार। तो चलो अब इसकी चारों साइड पे टेप है। इसको ब्लैक टेप से जो तुम लोग बॉल पे भी चढ़ाते हो उसे पूरा कवर कर दिया, और पीछे देख लो पीछे मैंने ये फोल्ड कर दिया था। अब देख लो इसकी जो फाइनल लुक है, तो ये जो है फ्रेम है ना ये बहुत जबरदस्त और बहुत ही कम, मतलब कम रुपये में, क्या बिल्कुल 0 रुपया लगता है, कम से कम 50 से 60 रुपये इसकी प्राइस होगी। तो मेरी आज तक जितनी भी अच्छी ड्राइंग थी उन पर मैंने यही फ्रेम अप्लाई किया, और मैंने एक बना दी छोटी सी गैलरी। खैर अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।